फ्रेंड्स, आज मैं बैंगन का प्लांट का रिपोर्टिंग करूंगी, तो कौन कौन सा खाद डालूंगी और कैसी मिट्टी होगी, तो चलिए देखते हैं। ये मेरे पास पिछले साल का बैंगन का प्लांट है, तो पिछले साल इसमें खूब सारे बैंगन हुए थे। अब ये पुराना हो गया है, तो इसको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। आप फेंके नहीं, अगर पुराना बैंगन का प्लांट हो पिछले साल वाला, तो आप ना फेंक के मैं जैसे बताऊंगी उस तरह रिपोर्टिंग करेंगे, तो ये प्लांट में फिर से ज़्यादा बैंगन आएंगे। ये बैंगन का साइज़ देखिए, काफ़ी छोटा है, यही साइज का ये बैंगन होता है। ये जो साइज़ है बैंगन का छोटा वाला, इसका सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ये जो तोड़ के रखी हूँ, दो ये बीज बन गए हैं, तो इन्हें सुखा लूँगी और मैं बहुत सारा इसी से बैंगन का फिर से छोटे पौधे बनाऊंगी। तो देखिए, आप जो पॉट में लगाए होंगे बैंगन का पौधा पहले, उससे थोड़ा आप ज़्यादा बड़ा पॉट लें। और मिट्टी का मिश्रण में देखिए, यह है बोन मील और भर्मी कंपोस्ट मिट्टी एक साथ मिक्स है। और यहाँ पे है थोड़ा सा नीम खली, कोकोपीट और बेबीस्टिन पाउडर मिट्टी में मिलाई हूँ आधा चम्मच के करीब। ये जो बेबीस्टिन पाउडर है, जड़ में सड़न लगने नहीं देंगे, तो आप ज़रूर मिला लें नीम खली के साथ साथ। और स्टोन डस्ट पाउडर भी डाल दें, स्टोन डस्ट पाउडर से पौधे को मजबूती मिलती है, तो आप ज़रूर मिलाएं। अब आप सारे मीडिया को एक साथ आपस में अच्छी तरह से मिला लें और इसमें थोड़े रेत भी डाल दें। अगर आपके वहाँ की मिट्टी चिपचिपी है, तो थोड़ा रेत आप ज़्यादा डालें और कोकोपीट ज़रूर डालें। ये सब डालने से कोकोपीट और रेत, मिट्टी भुरभुरी रहती है और पानी आसानी से निकल जाती है, तो आप ज़रूर रेत और कोकोपीट मिलाए कोई भी पौधा रोपे उसमें। भुरभुरी मिट्टी बनाने से जड़ को चलने में आसानी होता है, और जड़ चलेंगे अच्छे से तभी पौधा अच्छे से रहेगा और आपके पास फल फूल या सब्जी जो भी हो ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे और स्वस्थ मिलेंगे। और इसमें और एक खाद मिलाना है, तो देखिए ये है प्याज का छिलका, इसमें थोड़े लहसुन का छिलका भी मिलाया हुआ है। मैं इसको लेके आई थी जहाँ मार्केट में प्याज लहसुन बिकते हैं, वहाँ पे बोरी में करके भर के रखते हैं। अगर आप 10-20 रुपया दे देंगे, तो एक बोरी आपको ये प्याज का छिलका दे देंगे, उसमें लहसुन का छिलका भी मिलाया हुआ रहता है। अगर ये डाल देते हैं, तो आपके जो मिट्टी है और ही उपजाऊ बन जाएगी, और आपके जो सब्ज़ी या फल कोई भी पौधे में आप लगाएंगे ये सब प्याज का छिलका मिट्टी में मिला के, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल फूल होंगे और आपको केमिकल खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऑर्गेनिक ही डाल के, मैं जैसे बताई हूँ ये सारी ऑर्गेनिक खाद है, क्योंकि हम लोग जो सब्जी लगाते हैं वो घर में खाते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक ही डालना सही रहता है। ऐसे तो हम लोग बाज़ार से जो भी खाते हैं, फल सब्ज़ी या चावल वगैरह, सब में केमिकल खाद ही आजकल ज़्यादातर मिला हुआ रहता है। तो आप हो सके जितना से जितना सब्जी आप लगा सके, आपके पास अगर जगह कम है तो आप छत पे गार्डनिंग करके कुछ सब्जियों को ऑर्गेनिक खा सकते हैं। तो मैं इसीलिए ऑर्गेनिक ही डालती हूँ सब्ज़ी में, फल में, फूल में मैं कभी कभी केमिकल डाल देती हूँ खाद, लेकिन मैं सब्ज़ी और फल ये सब पौधे में मैं कभी केमिकल खाद नहीं डालती। ये देखिए, ये बोरी जो है, जो पहले का पॉट था उससे बड़ा है। तो आप जो भी पॉट लें जो पौधे को रिपोर्टिंग करना है, तो पिछले साल का जो पॉट होगा उससे थोड़ा बड़ा लें, क्योंकि इसमें जड़ जो है बहुत सारे हो गए हैं, तो जड़ को और फैलने के लिए बड़ा बर्तन चाहिए या ग्रो बैग जो भी हो आप बड़ा लें। लेके ये मिश्रण को नीचे अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके दबा दें, ज़्यादा दबाव ना डालें, हल्के हाथों से आप दबा दें। दबा देने के बाद ये पौधे को आप बिठा देंगे, बिठा के इसमें पानी डाल देंगे और ये छाँव वाला जगह में आप 2 दिन रखेंगे, क्योंकि रूट बॉल को अगर आप नहीं तोड़ते हैं तो 1 से 2 दिन छाँव वाला जगह में रखें, फिर इसको तेज़ धूप में रखेंगे, तो ये पौधा फिर से चलने लगेगा आराम से। और सर्दियाँ आते आते खूब सारे बैंगन आपको मिलेंगे। मैं एक पौधे को करके दिखा रही हूँ, मेरे पास 8-9 पौधे हैं, मैं सारे को रिपोर्ट इसी तरह से कर लूँगी और आप भी इसी तरह से रिपोर्ट कर ले। पुराने पौधे को फेंके नहीं, बैंगन का पौधा 2-3 साल तक चल जाता है अगर आप अच्छे से रखें, इसी तरह से बड़ा पॉट देते रहे तो। और एक बात फ्रेंड्स, बैंगन के जो डंठल है उससे भी आप कटिंग करके इसके और नए पौधे बना सकते हैं। थोड़े से जहाँ पे नोड एरिया होते हैं, 2-3 नोड एरिया के पास से आप काट लेंगे डंठल एक, और उसको कोकोपीट में रखेंगे करीब 20 से 25 दिन, तो उसमें से रूट आ जाते हैं और उसको आप मिट्टी में रोप दें, नॉर्मल मिट्टी में। उसके बाद कुछ दिन बाद आप खाद वगैरह दे के रोप दें। तो मैं ऐसे करके 2-3
पौधे को तैयार की हूँ कटिंग से, आप भी कर सकते हैं, कटिंग से भी बन जाते हैं बैंगन के पौधे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बैंगन का पौधा हो पिछले साल का, तो आप फेंके नहीं, उसे रिपोर्टिंग कर ले। अगर ज़्यादा बड़ा हो तो उसे ज़मीन में लगा दे और फिर से उसमें सब्जी आने लगेंगे और आप फिर से सब्जी ले पाएंगे। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।